नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके दिन भर के राशियों के हाल को बताएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए आज की कीमती सलाह क्या है और आज के दिन को शुभ बनाने के सटीक उपाय क्या है। इसके अलावा आपके सवाल का जवाब देंगे और बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है, लेकिन रामबाण उपाय भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले आज की सलाह। आज भगवान कृष्ण की जन्मतिथि है, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है, इसीलिए आज भगवान कृष्ण को किसी भी समय बेहतर होगा संध्या काल में पीले फूल अर्पित करें, उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं, दूध दही शहद शक्कर घी मिलाकर पंचामृत बनाएं, उसका भोग लगाएं, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से जीवन में मधुरता आएगी और जीवन के जो तमाम तनाव हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। अब जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, कोई नई संपत्ति हो सकता है आप खरीदें और जीवन साथी का स्वास्थ्य आज बेहतर होता हुआ दिख रहा है और आर्थिक लाभ की मजबूत संभावना भी बनी हुई है, यानी दिन कुल मिला जुला कर आपका बेहतर जरूर हो रहा है। आज की सलाह यह है कि बेहतर समय में जबान खराब ना करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। ऑफिस के महत्वपूर्ण काम आज मत टालिएगा वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे, और कुछ धन का दान कर देने से आज का दिन बेहतर हो जाएगा। वृष राशि, किसी प्रियजन से भेंट होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी सेहत भी लगातार अच्छी बनी रहेगी, सेहत की स्थिति बहुत अच्छी है और आपको धन का लाभ भी हो रहा है। आज की सलाह यह है कि खान पान के मामले में लापरवाही न करें, खाने पीने के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न करें तो बेहतर होगा, और अगर आज कोई मित्र आपकी सहायता मांगने आता है ना तो उसकी सहायता जरूर कर दीजिएगा। पीले रंग का अगर आप प्रयोग करें तो आज आपकी मुश्किल कम होगी, पीले वस्त्र पहन लें, पीला रुमाल अपने पास रखें तो आज सफलता आपको मिलती जाएगी। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से आपको बचाव करना है, आज काफी व्यस्तता भी दिखाई दे रही है और व्यस्तता की वजह से काफी थकान भी दिख रही है। आज की सलाह यह है कि घर के और ऑफिस के मामले में संतुलन बनाए रखें, दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो बेहतर होगा। दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर मत लीजिए वरना आप परेशान हो जाएंगे, और आज घर से निकलते समय जरा सी पीली सरसों खा के निकलेंगे तो मुश्किलें आज कम हो जाएंगी। कर्क राशि, सेहत आपकी लगातार अच्छी दिखाई दे रही है, कारोबार में फायदा हो रहा है और नौकरी में किसी बड़े परिवर्तन की तरफ भी आप जा रहे हैं। आज की सलाह यह है कि अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें, कोई इंपॉर्टेंट कागज न खो जाए, और आज सुगंध जरूर लगाइएगा ताकि भाग्य आपके साथ बना रहे। सिंह राशि, अगर आप विवाहित हैं तो विवाह तय होने का योग बनता है, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है और रोजगार की तमाम समस्या आज हल होने के संकेत भी दिख पा रहे हैं। आज की सलाह यह है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, दूसरे के बहकावे में मत आएं, अफवाहों पर ध्यान न दें, और किसी धर्म स्थान पर जाकर कुछ समय वहां खर्च करें तो मन आपका शांत होगा, मुश्किलें आपकी कम होंगी। कन्या राशि, वर्गो, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, परिवार में मंगल कार्य के योग बने हुए हैं और संतान की उन्नति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। आज की सलाह क्या है, देखिए, एक तो अहंकार से बचना है आपको, दूसरा संतान संबंधी मामलों में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, और घर से निकलते समय अगर भगवान का नाम लेकर निकलें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। बाकी बची हुई राशियों की बात करेंगे और बात करेंगे आज के रामबाण उपाय की, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। राजीव ने हमें मेल लिखा है, गुड़गांव से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 21 जून 1986, जन्म का समय है सुबह के 9 बजे, जन्म का स्थान है गुड़गांव। राजीव लिख रहे हैं कि करियर में बहुत सारी मुश्किलें हैं और फिलहाल 1 साल से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, क्या नौकरी मिलने की संभावना है या व्यवसाय में जाना चाहिए, जीवन अंधकारमय दिखता है, किस रास्ते पर चलें, क्या करना चाहिए।
राजीव, पिछले एक वर्षों से तकरीबन डेढ़ वर्षों से हम कहेंगे कि आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है और इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन इस कुंडली में आगे भी नौकरी करने के योग हैं और अभी भी जो योग बने हुए हैं वो नौकरी करने और नौकरी पाने के ही हैं। अभी एक समय शुरू हुआ है, सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो महीना है, सितंबर से नवंबर का महीना 2016 में, इसमें आपको एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी, वो नौकरी आप कर लीजिएगा, वहाँ से ज़िंदगी बेहतर होती हुई दिखाई देती है। लेकिन पूरे तौर से जो ज़िंदगी का सेटलमेंट है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस कुंडली में 2018 में दिखता है। तब तक आपको परिश्रम करते रहना पड़ेगा। दो उपाय करना चाहिए, रोज सुबह जल में हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को पहनना लाभकारी होगा। तो अगर आपका भी कोई सवाल है ज्योतिष से जुड़ा हुआ तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है aapketare@aajtak.com। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची हुई राशियों के लिए आज के तारे क्या कहते हैं। तुला राशि, सेहत कमजोर रह सकती है और आपको अनावश्यक वाद विवाद से गुजरना पड़ सकता है और ऐसा लगता है कि दूसरों की जिम्मेदारियां भी सर पे आने वाली हैं, वो न ले तो अच्छा होगा। तो तुला राशि के लिए चंद्रबल बहुत मजबूत नहीं दिखाई देता, आज की सलाह क्या है? देखिए, वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी है, परिजनों के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के लोगों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना है और आज घर से जीरा खाकर निकलेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, भाई बहन के साथ आपके संबंध लगातार बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है और करियर में बदलाव की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। आज की सलाह ये है, आकस्मिक रूप से बड़ा निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा वरना फंस जाएंगे। धन संबंधी लेन देन मत करिएगा और घर से शीतल जल पीकर निकलेंगे तो भाग्य आपका मजबूत बना रहेगा। धनुराशि, अगर आप कोशिश करें तो आज वाहन खरीद सकते हैं, नौकरी में लाभ होता हुआ दिख रहा है और किसी आनंददायक यात्रा के योग भी बने हुए हैं। आज की सलाह यह है कि धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें, परिवार का माहौल भी ठीक बनाए रखें और अपने साथ एक रुमाल आप जरूर रखिएगा ताकि आज भाग्य आपके साथ बना रहे। मकर राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी बनाए रखें और धन का खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर जरा ध्यान रखें। आज की सलाह यह है कि चोट की चपेट में आने से बचिए, आज बाहर का खाना ना खाएं, पेट खराब ना हो जाए और पूजा के फूल साथ में लेकर निकलिएगा, जो भगवान को पूजा के फूल अर्पित करते हैं उसको लेकर, और अगर ऐसा नहीं है तो भगवान के जगह पर पैर छूकर प्रणाम करके तभी निकलेंगे तो आज का दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी, संपत्ति का सुख भी आपको प्राप्त होगा और अगर कोई पारिवारिक विवाद है, कोई उलझन है तो वो उलझन सुलझ जाएगी। सलाह ये है कि अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, थोड़ा सा शारीरिक परिश्रम करें, दौड़ भाग करें, एक्सरसाइज करें, इससे आपको फायदा होगा और पीली सरसों खाकर घर से निकलेंगे तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, कारोबार में सफलता मिल रही है, लेकिन बदलाव के विचार में भी आप डूबे हुए हैं कि क्या नौकरी में बदलाव करें या ना करें, सोच रहे हैं आप। सलाह कहती है कि स्थान परिवर्तन मत करिएगा, छोटे मोटे बदलाव पर सोच सकते हैं, कीमती वस्तु तो संभाल कर रखिए, चोरी ना हो जाए, गायब ना हो जाए और नारंगी रंग का अगर आज प्रयोग करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो हमने आज बात की अलग अलग राशि के लोगों के लिए उनके तारे क्या कहते हैं, अब जान लेते हैं क्या है आज का रामबाण उपाय। मान लिया कोई व्यक्ति घर से दूर चला गया, अक्सर बच्चे या बड़े लोग गायब हो जाते हैं घर से, कैसे उसका पता लगाएं, उसके बारे में सूचना कैसे मिले? जो भी व्यक्ति घर से चला गया है उसकी एक फोटो अपने पूजा स्थान पे रखें, फुल साइज हो, पासपोर्ट साइज हो, जैसी भी हो, चेहरा साफ होना चाहिए। दोनों समय उस चित्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए, सुबह भी और शाम को भी, और जब दीपक जलाएंगे तो चित्र को उसके बाद 5 मिनट तक ठीक से देखेंगे, ध्यान करेंगे उस चित्र पर, ध्यान लगाएंगे 5 मिनट और उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में सूचना मिले इसके लिए प्रार्थना करेंगे।
ऐसा करने से 15 दिन के अंदर ही अंदर उस व्यक्ति के बारे में सूचना मिल जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है और ये जानेंगे कि उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपके तारे। ब्रेक पर जाने के पहले हमने ये जाना और समझा कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। बात की राम बाण उपाय की भी, अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य मध्यम है, मिला जुला दिख रहा है। करियर में थोड़ी मुश्किलें भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आने वाले वर्ष में आपका स्थान परिवर्तन भी दिखता है और ढेर सारी यात्राओं की संभावना भी दिखती है। वैवाहिक जीवन के मामले और संतान के मामले आने वाले वर्ष में उत्तम होंगे, उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सलाह ये है कि एक सोने चांदी का मिश्रित छल्ला आपको पूरे वर्ष किसी भी हाथ में किसी भी उंगली में पहनना है और हर शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करना है। अगर आप ऐसा करें तो आने वाला वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ और आपके जीवन के सवाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।